तो गाइस आप देख सकते हो ये जो भाप निकल रहा है ये सीधा जमीन के अंदर से निकल रहा है। ये जो जमीन है वो इतनी गर्माहट निकालती है। Oh. I can't touch. बहुत गर्म है। हम इसको पानी में उबालने का ट्राई करने वाले। ने, किसी ना किसी का रील देखा होगा ऐसे भागते हुए। ओ भाई ये देखो फट रहा है फट 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 जैसे नीचे की वोल्केनो। हाँ, वोल्केनो इरप्शन। ये देखो भाई ये कितना ब्लू पानी है। ये लिटरली ये एकदम क्लीन है। इट वॉज ऑलवेज माई ड्रीम कि लेह लद्दाख में आऊँ मैं और स्केट बोर्डिंग करूँ। हमें ये नहीं करना था, घूम के आना चाहिए था। ये पूरा इतना इतना पानी गया, हैंड गीला गया, डर भी लग रहा है। Hey guys, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रोड ट्रिप के डे नंबर 16 में और लद्दाख के डे नंबर 6 में। सो अभी हम निकल चुके हैं न्योमा से चुमातांग की तरफ। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है, लास्ट 6 डेज से हम लेह लद्दाख में घूम रहे हैं। हमने थोड़ा सा जो रूट है बहुत ही अलग किया है, यूनिक किया है। सो यू मस्ट वॉच। बाकियों की तरह लद्दाख वाला आइटनरी नहीं है, हमारा थोड़ा अलग है। सो यू शुड वॉच और बहुत यूनिक भी है। दूसरा, हम कल गए थे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास पे जो था उमलिंग लापास अराउंड 19,024 feet अबोव सी लेवल। आप सोचो भाई नेक्स्ट लेवल मजा आया वहाँ पे। और गाड़ी ना मतलब टाटा नेक्सॉन, अब सोचो टाटा नेक्सॉन को हम लेके गए थे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास। नॉट जस्ट द हाईएस्ट, वी आल्सो वेंट टू द 18,000 feet वाला 18,124 feet दैट वाज पोतिला पास। एंड वहाँ पे क्लाइम करना वाज लाइक हार्ट अटैक आ गया था। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा तो इसके पहले वाला व्लॉग देखो भाई। लिटरली गाड़ी ना ऐसे दम तोड़ दे रही थी। हाँ। और हम लकी हैं कि हमारा गाड़ी बीच में कहीं बंद नहीं हुआ, नहीं तो वो रिवर्स ब्रेक भी नहीं लगता और फिर चढ़ाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। इट वाज अ स्कैरीएस्ट एक्सपीरियंस हमारा अब तक का लद्दाख। अब लगा ऐसा मतलब लद्दाख आ गए हैं ऐसा वाला फील आ गया था कल। और वो जो पास था सॉरी लूप था फोतिला लूप, वो लूप बहुत बड़ा था, ऐसे जिगजैग 46 समथिंग था शायद, ऐसे जिगजैग बहुत ज्यादा जिगजैग था वो। सो प्लीज वॉच दैट व्लॉग एज वेल जो इसके जस्ट पहले वाला है और इसके बाद वाले भी। प्लीज अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करें हमें, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस इंडिया एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। सो हमारे साथ आप भी हमारी जर्नी पे ज्वाइन हो जाओ। और इसके बाद फ्यूचर में आप लोगों के लिए भी हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम उसके बारे में बताएंगे। अभी तो हम लद्दाख से निकल जाए एंड फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं माही? चुमातांग से चुमातांग की तरफ। न्योमा काफी खूबसूरत लोकेशन है न्योमा भी। हमारा प्लान था कि हम डायरेक्टली सोमोरीरी चले जाए कल रात को, बट एनर्जी नहीं थी, हमने न्योमा में होटल बुक किया। पेट्रोल भराना था और पेट्रोल भी भराना था। न्योमा में पेट्रोल पंप है, अगर जिसको नहीं पता तो न्योमा में पेट्रोल पंप है, आप यहाँ पे रिफ्यूल कर सकते हो। एंड फिर इसके बाद हम हॉट वाटर स्प्रिंग जाएंगे एंड आगे सोमोरीरी। तो बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। आपका घर है मुंबई में? आ जाओ मुंबई, मुंबई आ जाओ, हम लोग घुमाएंगे आपको। अभी इधर आप कितने साल से हो? हमें बचपन से और ठंडी में बर्फ गिरता है तभी कहीं नहीं, हमें तो आदत पड़ गया जहाँ हम लोग ढल जाए ना गर्मी होता। तो आप हमेशा से ही उधर हो, मतलब आर्मी में काम करते हो? हमेशा नहीं होते, हमारे गाँव में बोरी बोरी होते हैं। अच्छा, एक एक महीना टर्न। तो आपको सैलरी कितना आता है? पैसा आता है? अच्छा, पैसा तो 8,000 18,000 काम। अच्छा ठीक है, काम तो शेड्यूल है। कितना महीने तक करते हो? करते तो रोज होता है ना, पूरा 12 महीना उसमें से अपना घूम ले टेंट होता है। अच्छा, तो आप कितना महीना करते हो? आप कितना महीना करते हो? तो 3-4 महीना करते हैं क्योंकि कोई अन्य तो जॉब वाले होता ना। अच्छा ओके, वो नहीं जाए उसका जगह मैं कर देता है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर हो जाता है पूरा साल तक का आराम से पैसा हो जाता है? पैसा तो थोड़ा कुछ हो जाता है, थोड़ा कुछ होता है तो रोटी शोटी भी देता है अन्य। आर्मी अच्छा है यहाँ पे? आर्मी अच्छा है, आर्मी अभी नया वाले भी पहले वाले आ जाता है, अभी नया अच्छा की एक महीना जा रहा है। अच्छा, एक महीना भी तो पढ़ पाया था। फिर भी थोड़ा खुश मिलता है, अच्छा लगा आप लोग से मिलके। बहुत मेहनत करते हो आप। अब क्या करें, पढ़ा नहीं ना जॉब नहीं, लड़की लड़का भी बड़ा बड़ा दादा दादी भी चार है। क्या करिए ना, तो मैं अभी 66 जा रहा हूँ। फिर भी क्या करिए, कुछ तो करना पड़ेगा, भगवान ने ठीक दिया है।
क्या बात है। अभी हमें यहाँ से लगभग 13 मिनट्स दिखा रहा है और 13 किलोमीटर के लिए 13 मिनट्स, तो आप सोचो यहाँ का जो रोड है ओहो कितना ही सुंदर होगा कि 13 किलोमीटर के लिए माउंटेन एरिया में 13 मिनट दिखा रहा है सिर्फ, मतलब एक किलोमीटर के लिए एक मिनट, क्योंकि रोड्स कुछ ऐसे हैं लद्दाख में भाई। अब लद्दाख वो पुराना वाला लद्दाख नहीं रहा कि आप बहुत ऑफ रोडिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं पे है बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में ऐसे एकदम सुंदर वाले रोड दिखेंगे। और यहाँ पे गाड़ी चलाने में जो मजा है ना, आहा, लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट करके आप जाओगे यहाँ से जब निकलोगे तो, है कि नहीं माई? अभी माई को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी वो ऑक्सीजन लेने वाली है ना, पहले लिपस्टिक, लिपस्टिक ज्यादा, लिप ग्लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑक्सीजन तो क्या है वो तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। लिप ग्लॉस लगाने की जरूरत है क्योंकि होंठ सूख जाते हैं ठंड की वजह से। ये व्हाइट वाले घोड़े से मुझे प्यार हो गया है, मेरे साथ चलोगे घोड़े? हाय, कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ खाने को है हमारे पास, ये लोगों के लिए खाने के वही। हाय, नहीं इसका पेट पैर में, सबके पैर में पता नहीं कुछ ना कुछ तो लगा ही है, सब लोग ऐसे लंगड़ा के चल रहे हैं पता नहीं क्यों। वो देखो उधर पे आपको भाप दिख रही है, इसमें दिख नहीं रही है फोन में शायद, थोड़ी थोड़ी दिख रही है इधर इधर इधर। हाँ यार सच में इधर तो हॉट वाटर स्प्रिंग, वो भी ऐसी इतनी, वाओ। सो हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर नेचुरल बॉइलिंग वाटर्स जो नीचे ज़मीन से बाहर आते हैं, एंड ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं, मतलब अगर आप उसमें नहाते हो तो आपका बॉडी का पेन वगैरह भी जा सकता है बहुत, क्योंकि सारे मिनरल्स वगैरह उसमें होते हैं काफ़ी सारे, आई थिंक सल्फर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो इतना गर्म होता है। सो गाइस आप देख सकते हो ये जो भाप निकल रहा है ये सीधा ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, क्योंकि ये जो पानी है ये पानी ना बॉइलिंग वाटर है, मतलब आप सोचो कि जो ज़मीन है वो एकदम आग का काम कर रहा है और पानी को बॉईल कर रहा है, एंड इसमें ना अलग अलग कलर भी दिख रहा है, देखो पानी के आसपास अगर आप देखोगे ना अलग अलग कलर दिख रहा है। हाँ, और थोड़ा वहाँ पे अंदर तो हम नहीं जा सकते शायद, क्योंकि देखते हैं अंदर, वो तो सही से अंदर जा सकते हैं, उस तरफ से जा सकते हैं क्योंकि ये पूरा जिधर तक आप भी देखोगे ये ना, एक्चुअली सी दिस वाज अ नेचुरल फेनोमेना बट यहाँ के जो विलेजेस है उन लोगों ने ऐसे बातिंग के लिए आई थिंक ऐसे सेक्शंस बना दिए हैं ताकि लोग अगर इसमें आई थिंक बात करना चाहे तो कर सकते हैं, हम थोड़ा देखते हैं अगर कोई लोकल मिलेगा उनसे बात करते हैं। सो अभी मुझे पता चला यहाँ पे कि ये जो है ना इसमें अगर आप अंडा डालते हो तो अंडा भी बॉयल हो जाता है, शायद आप चाय भी बना सकते हो टॉप नीचे रख के, बट ये तो चलो गर्मी के सीजन में होता ही होता होगा क्योंकि ये जो ज़मीन है वो इतनी गर्माहट निकालती है, बट अदर देन दैट अगर आप सर्दियों में भी यहाँ पे आते हो तो बाकी सब जगह बर्फ होगी बट ये पानी उबलता रहता है। ओह माय गॉड, यहाँ तो एक पॉन्ड जैसा बना हुआ है जहाँ पे मैंने देखा कुछ लोग अंदर अभी बात लेकर बाहर निकले हैं, और ये जो रिसोर्ट है ना यहाँ से देखो पाइप लगा हुआ है, दे सक इन द वाटर फ्रॉम हियर, और मतलब यही नेचुरल हॉट स्प्रिंग का पानी वो अंदर प्रोवाइड करते हैं जिनको प्राइवेट बाथ लेनी हो ये पानी में। कितना ब्यूटीफुल है ना अपना अर्थ, क्या क्या है यहाँ पे जो जो देखो कमी होता है यार, हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है, एंड टुडे वी आर सीइंग अ हॉट स्प्रिंग अपनी आंखों से। वैसे हमने एक बार मनाली के साइड कसोल साइड हमने मणिकर्णिका पे किया भी था हॉट वाटर बाथ, और उसमें से बाहर आने के बाद ना ऐसा जो अलग ही वाइब आ रहा था, ऐसा लग रहा था बॉडी से सोल ही बाहर आ गया है। तो यहाँ पे करने का मन तो है बट नहीं कर सकते, टेक्निकली वी हैव टू लीव। सो एनीवेज ये ब्लू पानी ये देखो आप एंजॉय करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये वीडियो और बोलो जरूर अगर लद्दाख आते हो तो ये ऑफ बीट लोकेशन जरूर आना। आई कांट टच, बहुत गर्म है, मैं कर सकती हूँ? नहीं 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 बहुत ज्यादा गर्म है इसमें, डायरेक्ट अगर कोई जाएगा तो भाई बिल्कुल। तो फिर लोग तो थे ना नहीं, वो यहाँ से पानी ले जाके फिर अंदर जाके फिर नहाते होंगे, डायरेक्ट इसके अंदर तो नहीं जा सकते, ऐसे कहीं कहीं पे ऐसे पोर्शन है जहाँ पे जाके नहा सकते, जैसे उस तरफ है ये जो पाइप से पानी आ रहा है वहाँ पे अगर पानी कलेक्ट करके नहाना चाहे तो नहा सकते। वैसे तो हम यहाँ से निकल रहे थे बट मुझे लगा आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं कोई मामूली पानी, सो लेट्स गो, हम इसको पानी में उबालने का ट्राई करने वाले। हमने उनको बोला कि कोई यूटेंसिल देने पर वो बोल रहे थे प्लास्टिक में उबल जाएगा, तो लेट्स ट्राई। मुझे डर लग रहा है मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ क्या, फुट मत जाना भाई। सो गाइस लेट्स सी कि ये अंडा बॉईल हुआ है या नहीं क्योंकि हमने काफी देर से इसको रखा हुआ है, अभी अभी टेस्ट करके देखते हैं, अभी तो हो जाना चाहिए क्योंकि काफी, ओ भाई आराम से, ओ गरम बहुत ज्यादा गरम है, थोड़ा सा कम हुआ है, और थोड़ी देर रखना चाहिए था वैसे, अरे बहुत ज्यादा हो गया क्या, थोड़ा देर और रखना चाहिए था। सो गाइस अ क्विक ट्रांजिशन, इसके पहले हम थे चुमातांग में एंड अभी हम आ गए हैं पूगा में। पूगा बहुत लोगों को आप में से पता होगा, फेमस है इसके हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए। चुमातांग हमने देख लिया,
पूरा कुछ ऐसा दिखता है, पूरा अभी येलो येलो फील्ड है क्योंकि ऑफ सीजन है। अगर हम लोग ऑन सीजन आते तो ये पूरा ग्रीन होता। आपने किसी ना किसी का रील देखा होगा ऐसे भागते हुए, तो ऐसे कुछ हमें पत्थरों पे पैर रख के जाना होगा। यहाँ का तो पानी ठंडा है एंड ऐसे ऐसे चल के आप अगर दूर देखोगे वहाँ पे, एक मिनट ये देखो ये दिख रहा है, फोकस करता हूँ, वो भाप निकल रहा है, वहाँ तक हमें चल के जाना है। हार्डली 500 मीटर्स के आसपास होगा एंड फिर हम आपको दिखाएंगे एक और नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग। सो गाइज आप देख सकते हो ये पूरे लैंडस्केप, इसको ही बोला जाता है पुगा वैली बिकॉज ये दो माउंटेन्स के बीच में है। मुझे ना यहाँ पे तकेशी कासल याद आ रहा है, जिसमें नहीं वो कुछ कुछ ऐसे फ्लोटिंग स्टोन्स होते थे और कुछ कुछ अंदर जाने वाले और कुछ कुछ हार्ड स्टोन होते थे। तो ऐसा लग रहा है कोई इसमें से वो कोई एक राज जिसमें मैं डुबक करके अंदर चली गई। तो ओह गॉड, तो नहीं वैसे तो नहीं होता, काफी लोग यहाँ आते हैं। नहीं लॉन्ग कट भी नहीं है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ेगा। बीच में दलदल ही है, ये बीच में पानी है। अब देखो लोग शूज निकाल के, ये देखो शूज निकाल के गए थे, तो मुझे लगता है हमें भी पैर थोड़े ठंडे करने पड़ेंगे। रेडी माई, ये देखो भाई बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, बॉटल रखा हूँ उसके ऊपर, पानी के ऊपर खड़ा हो गया बॉटल। हम लोग वहां से ऐसे घूम के यहाँ आए, अभी और सीधा जाना है, बहुत ज्यादा घूम लिए। ओ भाई ये देखो फट रहा है एकदम, फट 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 जैसे नीचे की वोल्केनो। हाँ वोल्केनो इरप्शन जैसे। थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, काफी घूम के आ गए हम लोग ऐसे। ओ भाई पूरा हालत खराब हो गया अभी, और इसके ज्यादा पास नहीं जाना अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये देखो ओहो, पूरे पैर ठंडे हो गए। आपको दिखाया था बर्फ वाला पानी, हमें ये नहीं करना था, घूम के आना चाहिए था। ये पूरा इतना इतना पानी गया, पैंट गिला हो गया, डर भी लग रहा है। इसमें से आए हम लोग यार, बहुत डर है, क्या कर रहे हैं हम लोग यार, पैर मेरा जल रहा है, शेक पूरा फ्रीज हो गया, पैर लग रहा है, क्या कर दिया भाई। वहीं से आते क्या, तेरे वजह से सब राहुल की गलती है, बोलते चप्पल निकाल के जाएंगे, अभी शॉर्टकट मांगे तेरे लिए, इतना लंबा लॉन्ग कट लिया था मैंने, मैं तो अकेले चला जाता, खुद भी डुबुक डुबुक अंदर पानी में गया भाई। बहुत पैर ठंडे हो गए थे, पूरा पैंट देखो गीला हो गया, सोचो इतना ठंडी में भाई, मेरा तो सब गए, अभी पूरा शूज और ये निकाल के फेंकना पड़ेगा शायद। सो अभी हम निकल रहे हैं सोमोरीरी, जो कार्जोक विलेज के पास में है। सोमोरीरी एक लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है, एंड अगर आप पुगा से जाना चाहते हो सोमोरीरी तो लगभग 1 hour 40 minutes के आसपास टाइम लगेगा, 38 या 39 किलोमीटर्स के आसपास है। और अभी वहाँ से हमें लेह वापस जाना है, तो अभी हम श्योर नहीं है कि लेह जो है वो मतलब अपोजिट साइड जा रहे हैं लेह के, या फिर वहाँ से लेह पास है, क्योंकि मैंने जब पहले चेक किया था तो लेह दिखा रहा था 1 hour 10 minute कार्जोक से, 110 किलोमीटर दिखा रहा था, तो शायद देखते हैं अभी पहुंचने के बाद पता चलेगा, क्योंकि नेट और अभी मैप पे जब देख रहे हैं ऑफलाइन मैप पे तो उल्टा बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन तो देखते हैं यार, जो भी रहेगा 1.5 घंटे की राइड है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जाएंगे। अभी इतना आगे है, दूर तो स्लो ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, तो इतना दूर आ गए तो एक चीज स्किप करके रिग्रेट क्यों करना बाद में, इसलिए चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको सोमोरीरी। माय गॉड, वी वर ऑन आवर वे टू सोमोरीरी लेक, लेकिन हमें रास्ते में दिखती एक और लेक जो बहुत ही अद्भुत लग रही है सच में, इतना ब्लू पानी, उसके पीछे बड़ा सा माउंटेन्स तीन तीन, और आप खुद ही देख लो कितना सुंदर लग रहा है। एंड दिस इज नोन एज द क्यागर लेक। आप देख सकते हो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं सोमोरीरी लेक के पास, एंड यहाँ से कार्जोक भी 3.3 किलोमीटर ही है, एंड बहुत ही खूबसूरत सा लेक है ये। पेंगोंग लेक से थोड़ा सा अलग मुझे इसलिए लग रहा है, ऑफ कोर्स ये ब्लू तो है ही, बट ये जो नज़ारे है ना वो
सामने देखो स्नो पीक माउंटेन्स, इस वजह से ये पेंगोंग लेक से थोड़ा सा अलग लग रहा है। एंड हमें मतलब लोकल्स ने बताया कुछ कि यहाँ पे पहले ना थ्री इडियट्स मूवी की शूट होने वाली थी, बट यहाँ पे परमिशन नहीं मिला। लेक के आजू बाजू में हमने देखा कि बैरिकेड्स लगे हुए थे और मिलिट्री भी यहाँ पे पेंगोंग लेक से थोड़ी ज्यादा है, तो उसके बाद थ्री इडियट्स मूवी की शूट वहाँ पे हुई थी। तो अभी हम लोग वहाँ उस कर्जोक पे मतलब जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे स्नो पीक्ड माउंटेन्स दिखे हमें क्लियरली। तो आप देख सकते हो ये है सामने जो विलेज आपको दिख रहा है, ये सोमोरीरी विलेज है। एंड इसके आगे थोड़ा आधा किलोमीटर आगे है कर्जोक, एंड ये इंडो टिबेटियन बॉर्डर भी है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है डिफिकल्ट है यहाँ पे ड्रोन उड़ाना, तो शायद मैं ड्रोन शॉट्स ना ले पाऊँ इस लेक के। अभी हम लोग स्टार्टिंग में जा रहे हैं जहाँ से हम एंटर किए थे, लेक जहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ब्लू दिख रहा था पानी, एंड यहाँ पे इतना ब्लू नहीं दिख रहा क्योंकि शेडो आ गया है। ये देखो भाई ये कितना ब्लू पानी है, ये लिटरली ये एकदम क्लीन है। अभी शैडो के वैसे दिख नहीं रहा इतना ज्यादा, बट वो साइड अभी जाके आपको ना मैं कुछ शॉट्स दिखाता हूँ इसके भाई। अगेन टुवर्ड्स लेक, मतलब अगर आप शाम में आते हो तो यू शुड वहीं पे रुक जाओ। हाँ एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर आप ले साइड से आ रहे हो तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे रुक जाओ, इसे कर्जोक साइड मत जाओ। ये देखो भाई कितना ब्लू लग रहा है ये भाई, लिटरली आंखों से भाई क्या ब्लू लग रहा है, बट फोन भी ठीक ठाक कैप्चर कर ले रहा है इसको। ये देखो भाई क्या बात है, क्या ही क्रेजी नज़ारे हैं। अभी जो है सन जो है नीचे जा रहा है, इस वजह से लाइट नहीं पड़ रही, इतना ज़्यादा ब्लू नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ब्लू है भाई पानी इसका, है ना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा मॉर्निंग में आना, क्योंकि मॉर्निंग में सनराइज होगा तो ये पूरा पानी एकदम ब्लू कलर का दिखेगा। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं इसको ऐसे ऐसे जगह पर लेके जाऊँगा। महाराष्ट्र से ऑल इंडिया रोड ट्रिप, 28 स्टेट, 6 यूटी, 30,000 प्लस किलोमीटर, 100 प्लस डेज, एंड नाउ वी आर एट सोमोरीरी लद्दाख। यस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स। इतने हाई अल्टीट्यूड पे इतना ब्यूटीफुल लेक मिलना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिया में सारी चीज़ें मिलती है भाई, बस आप घर से निकलो बाहर घूमो। अभी देखो ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे हम लोग पूगा में थे तो वहाँ पे ठंड नहीं थी, बट यहाँ पे ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है। सो सेइंग फाइनल गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल लेक, सी यू सून। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं लेक के लिए, जो कि है लगभग 210 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है 3:23। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी यहाँ पे सन चला जाएगा नीचे। इसके इतने सुंदर थे, मैंने बोला राहुल चेकआउट करने के पहले वीडियो के तू एक बार जरा अपना स्केटबोर्डिंग स्किल्स तो बता दे लोगों को। सो गाइस इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि लेह लद्दाख में आऊं मैं और स्केटबोर्डिंग करूं। एक्चुअली ये स्केटबोर्ड नहीं, लॉन्ग बोर्ड है, क्योंकि ये लॉन्ग है, इसको लॉन्ग बोर्ड बोलते हैं।